नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के इतिहास के प्रथम चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी विषय तो तैयार हो जाते हैं लेकिन सामाजिक विषय तैयार करने में थोड़ी समस्या होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्या याद करें क्या ना याद करें। तो इस वीडियो में चैप्टर 1 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने कवर किया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप नोट्स बनाकर याद कर लेते हैं और एक बार समझ लेते हैं, जहाँ तक है मैंने इस वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर कर दिया है और आपका MCQ 80-85% कंप्लीट है। फिर भी थोड़ा एक दो बार बुक की रीडिंग लगेगी और इस नोट्स को अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो चैप्टर 1 आपका अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा उदारवाद। उदारवाद का क्या अर्थ है? देखिए, उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र हो, समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति है, राज्य समाज व सभी संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण का साधन है और समस्त राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर किया जाना चाहिए। अर्थात जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जो भी व्यवस्था है, मतलब मानवीय व्यवस्था है और राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है, सभी का केंद्र मानव को मानकर इसमें किया जाता है। और राष्ट्रवाद में क्या होता है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है जो आपस में प्रेम और एकता को स्थापित करती है। अर्थात जो भी लोग रहते हैं एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में रहते हैं, उनमें उनके अंदर जो एकता की भावना रहती है, प्रेम की भावना रहती है, वही राष्ट्रवाद के रूप में निखर कर बाहर आती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम भी है। जर्मनी का एकीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके पेपर के लिए, बहुत बार पूछा गया है, एकदम अच्छे से इसको पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ के पेपर के लिए जाना। इसकी शुरुआत 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद के गठन के साथ उदार राष्ट्रवादी आंदोलन से हुई, लेकिन प्रयास विफल रहे। इसके बाद यह कदम प्रशिया ने उठाया और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क को सौंप दी गई। बिस्मार्क ने 7 वर्षों की अवधि में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े जिनमें प्रशिया की जीत हुई। अंततः जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण भैया हो गया। प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को वर्सेल्स में आयोजित एक समारोह में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये हमने संक्षिप्त रूप में इसे लिखा है और आप अगर किताब में पढ़ेंगे थोड़ा तो और विस्तार में इसके बारे में दिया हुआ है। तो हमने पहले कहा है ना कि आप एक बार उससे पढ़ लोगे और यहाँ से छोटा छोटा नोट्स मिल जाएगा आपको, तो यहाँ कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएगा। इटली का एकीकरण, ये भी भैया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। इटली एकीकरण को इतालवी भाषा में इल रिसोर्जिमेंटो कहते हैं। 19वीं सदी में इटली में एक राजनैतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया। इसे ही भैया इटली का एकीकरण कहा गया। इटली का एकीकरण सन 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट राज के अंत पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था, है ना। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? मेजिनी, काउंट कावुर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की थी और गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था और सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की। प्रमुख नेताओं के बारे में जान लेते हैं। इसमें सभी का एक साथ कभी नहीं पूछेगा पेपर में, एक एक लोगों का योगदान पूछ सकता है। तो पहले हैं हमारे कैमिल बेंसो कावुर, 1810 से लेकर 1861 इटली का राजमर्मज्ञ तथा इटली के एकीकरण आंदोलन का प्रमुख नेता था। वह मूल लिबरल पार्टी का संस्थापक था। अब अगला है हमारा जोसेफ गैरिबाल्डी। 19वीं सदी के महान व्यक्तियों में से एक हैं ये। वे राष्ट्रवादी नायक के आदर्श थे और बाद में जीवन में इतालवी समाजवाद के अग्रदूतों में से एक थे। अगला हमारा है बिस्मार्क के बारे में। प्रशा के राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण
आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त एवं लौह की नीति से होगा। देखिए यहाँ गलती से तलवार प्रिंट हो गया है, ये लौह होगा यहाँ पर। और अगला है मेज़िनी, जोसेफ मेज़िनी, इटली के सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और साहित्यकार था, जिसने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में यंग इटली, ये यंग इटली भैया बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी 1831 में, जोसेफ मेज़िनी ने। और वहाँ पर देखिए जो बिस्मार्क के बारे में पढ़े कि चांसलर ऑफ प्रशिया कौन है, बिस्मार्क है। और रक्त एवं लौह की नीति मतलब किसके द्वारा इसको बताया गया था, बिस्मार्क के द्वारा बताया गया था, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, जोसेफ मेज़िनी में थे, 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप के नाम से दो संस्था इन्होंने बनाया था। तो हम लोगों ने चार लोगों के बारे में इसमें पढ़ा, किसके बारे में, कावूर के बारे में, गैरिबाल्डी के बारे में, और आपका ये हो गया बिस्मार्क के बारे में, और जोसेफ मेज़िनी के बारे में। तो इन चारों में से किसी के बारे में आपके पेपर में पूछ सकता है, तो आप यहाँ से बेसिक डिटेल ले लेंगे, और एक बार अगर बुक की रीडिंग मार दोगे तो अच्छे से और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा विषय है फ्रांस की क्रांति के कारण एवं इसके परिणाम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, आता जरूर है पेपर में, है ना, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इसमें ना हमने मतलब मुख्य मुख्य बिंदु रखा है, आप थोड़ा मोड़ा बना कर भी अपने आप से लिख सकते हो, है ना। मुख्य बिंदु लिख दिए, अब थोड़ा सा अपना, एक बार कहा ना आपको कि एक चैप्टर की रीडिंग कर लेना, तो रीडिंग करने से थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा और मुख्य बिंदु यहाँ से मिल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा उसको मैनेज करके आंसर को सुंदर और अच्छे लेख में लिखकर बनाकर लिखेंगे तो नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण राजा लुई 16वें की निरंकुश राजशाही से आम लोगों का असंतोष था। तो राजा लुई 16वां जो था उसने अत्याचार वाला पूरा शासन उस क्षेत्र पर कर दिया था, लोग एकदम हैरान हो गए थे उससे। इस वजह से लोगों में विद्रोह की भावना आ गई, आक्रोश आ गया और लोगों ने जो है क्रांति कर दी। अन्य कारणों से आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय शामिल है। अन्य अगर कारण देखा जाए तो आर्थिक असमानता भी थी, मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी लोगों की, और इतनी ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे गरीबों पर, तो लोग सह नहीं पा रहे थे, और नहीं सह पा रहे थे इसी की वजह से जो है विद्रोह प्रकट हो गया और क्रांति का स्वरूप इसने धारण कर लिया। तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल पर हमले के साथ शुरू हुई थी। यह 11 नवंबर 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य पर हमले के साथ समाप्त हो गई। तो अब कोई लड़ाई होती है ना भैया, तो उसका कोई परिणाम भी निकलता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, आर्थिक हानि होती है, बहुत लोगों की जानें भी जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या परिणाम प्राप्त हुआ, इसने फ्रांस में राजशाही को समाप्त कर दिया। देखिए भले ही क्रांति हुई, थोड़ा हानि हुई आर्थिक, लेकिन जो निरंकुश शासन था, जो अत्याचार हो रहा था उस समय लुई 16वें द्वारा, वो अत्याचार पूर्णतः समाप्त हो गया। लोकतंत्र की स्थापना हो गई वहाँ पर। इसने अन्य देशों को फ्रांस पर युद्ध की घोषणा करने के लिए भी प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त इसने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति का परिणाम भी यही था कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय को जन्म दिया। नेपोलियन एक सैन्य जनरल था जो फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय फ्रांसीसी क्रांति के बाद शुरू हुआ। नेपोलियन 1799 से 1804 तक फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास का पहला वाणिज्य दूत था। फिर नेपोलियन ने वाणिज्य दूतावास को प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य में बदल दिया और 1804 से 1814 तक फ्रांस के सम्राट के रूप में इसने शासन किया। बहुत महान विजेताओं में से ये एक था, लेकिन एक बात जान लीजिए, जिसका उदय होता है भैया उसका पतन भी होता है। तो नेपोलियन के बारे में पेपर में आ सकता है कि उदय के बारे में पतन के बारे में बताइए, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था, उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची और 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया। बहुत जीता इसने, बहुत क्षेत्रों को जीता, लेकिन अंत में इसे ये 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और इसे बंदी बना लिया गया। अब हमारा विषय है वियना संधि। 25 मार्च 1815 की वियना संधि मित्र शक्तियों ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशिया और रशिया के बीच एक औपचारिक समझौता था, जिसके तहत वे
नेपोलियन के विरुद्ध तब तक युद्ध करते रहेंगे जब तक कि वह पराजित न हो जाए। अर्थात वीना संधि ना ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशिया और रूस इन देशों के बीच एक समझौता था जिसमें इन लोगों ने निर्णय लिया था कि तब तक युद्ध करते रहेंगे नेपोलियन के विरुद्ध जब तक कि वह पराजित नहीं हो जाता। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए, जहाँ जहाँ वो विजय हुआ उन सब को, जो भी उसने परिवर्तन किया था नेपोलियन ने, उसके परिवर्तन को हटा देना, मतलब जैसा मूल संरचना थी उस क्षेत्र की, उस मूल संरचना में उस क्षेत्र को वापस लेकर आ जाना। और जिस जिस राज्य में उसने विजय प्राप्त की थी उसके विजय को हटा कर ये लोग अपना वहाँ पर राज्य स्थापित करेंगे। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसका जो आपने वीडियो देखा इसका आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। सेम टू सेम मत लिखो, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लो, समझ लो, और समझने के बाद अपने शब्दों में अपने कॉपी पर लिख लो, क्योंकि एक बार देख लोगे ना तो 3-4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। कॉपी में शॉर्ट तरीके से लिख लो। किताबों में बहुत बड़े बड़े आंसर्स दिए हुए हैं, पढ़ना उन्हें भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी आप संक्षिप्त रूप में दिया ही हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिए, अपने शब्दों में बड़ा करके लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगा, क्योंकि SST महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसमें भी नंबर लाना ज़रूरी होता है। भाई नंबर आएगा तभी तो परसेंटेज बढ़ेगा ना मेरे भाई, इस वजह से सीरियस लीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।